कराऊं तो ये हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि एक बंदा अकेला कुछ नहीं कर सकता। भाई मैंने भी आपके सामने अभी अकेले ही किया है सब कुछ, आपने देखा हो भाई। ज़रूरत इस बात की है, शऊर आने की देर है। जब तक हमारे अंदर शऊर नहीं आ जाता ना, बस थोड़ा सा देखें अपने घर के बाहर यार, कचरा तो साफ कर सकते हैं एटलीस्ट। अगर हफ्ता इतवार में निकलता हूँ तो अपने कराची शहर की दीवारें साफ करने के लिए, तो इस सितंबर के महीने में 6 सितंबर आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने वो शोधा हैं जो 6 सितंबर को जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी हमारे मुल्क के लिए, जिनकी वजह से आज हम सुकून की नींद लेते हैं, उनको एक ट्रिब्यूट दिया जाए। कराची की अगर हम दीवारों की बात करें तो कराची की दीवारों पर अक्सर मुफ्त मशवरे और इसके अलावा जादू टोने के मशवरे लिखे होते हैं, लेकिन ऐसे भी नौजवान इस शहर में मौजूद हैं जो शहर कराची को खूबसूरत बनाने के लिए दीवारों पर ग्रेफिटी आर्ट करते हैं। चलते फिरते के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं कराची के एक ऐसे नौजवान से जो कराची की दीवारों को खूबसूरत बनाते हैं, जिनका नाम सैयद शीशुद्दीन है, वो हमारे साथ मौजूद है। शीश भाई, मुझे ये बताया कि सबसे पहले मतलब आपके जहन में किस तरह ख्याल आया कि आप ये काम कर सकते हैं और शहर की दीवारों को आप खूबसूरत बना सकते हैं? जहन में यार ख्याल इस तरह आया था करामत भाई कि हम अपने शहर की दीवारों को देखते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के आपको मशवरे लिखे हुए नज़र आते हैं, बाबा बंगाली के नंबर नज़र आ रहे होते हैं, और मतलब मुख्तलिफ़ फजूल मशवरे और मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज नज़र आ रहा होता है। तो सोच यही थी कि यार मेरे पास शुरू से ही अल्लाह का दिया हुआ आर्ट था, एक मैं ड्राइंग में काफ़ी अच्छा था स्कूल में अपने, तो मैंने क्यों ना सोचा यार दूसरे ममालिक में, जैसे आप बाहर ममालिक में देखें, आप USA में देखें, UK में देखें, तो उधर आपको खूबसूरत ग्रेफिटी आर्ट नज़र आ रहा होता है उनकी दीवारों पर ना, वहाँ के आर्टिस्ट कर रहे होते हैं, वहाँ की हुकूमतें भी उनको सपोर्ट करती हैं। लेकिन अगर हम कराची की दीवारों को देखें तो यही आइडिया था कि क्यों ना इस अपने ग्रेफिटी आर्ट के थ्रू अपनी कराची की दीवारों का नक्शा तब्दील किया जाए। करामत भाई, ये ऐसा है कि कराची की मिसाल एक घर की तरह है, जैसे हम यहाँ अपने घर में रहते हैं ना, बिल्कुल अपने घर में रहते हैं, उसमें तमाम फैमिली मेम्बर्स होते हैं, अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे होते हैं, तो कराची का अगर हर शहरी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह निभाए ना, तो इंशाल्लाह इस शहर का नक्शा तब्दील हो सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने घर के बाहर कचरा भी साफ़ करवा दें, या अगर कोई गंदी दीवार है उस पर पेंट कर दें, तो इस तरह जैसे खतरा दरिया बनता है, वैसी मिसाल है इसकी कि अगर हम हर शहरी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह निभाए, तो इंशाल्लाह इस शहर का नक्शा तब्दील हो सकता है। कब तक हम हुकूमत को कोसते रहेंगे, हुकूमत पर ब्लेम करते रहेंगे, इस पर उंगली उठाते रहेंगे, उस पर उंगली उठाते रहेंगे, तो ज़रूरत इस बात की है सब अपने अपने डोमेन में निकलें, कुछ ना कुछ अपने शहर के लिए करें। पता है मुझे जॉब की जिम्मेदारियाँ होती हैं, घर की जिम्मेदारियाँ होती है, लेकिन कुछ टाइम होता है मैं भी जॉब करता हूँ, मैं भी जॉब कर रहा होता हूँ, हफ्ता इतवार फ्री होता है, उसमें निकलता हूँ कराची की दीवारों पर। लोग मैसेज कर रहे होते हैं मुझे कि यार हमारे इस इलाके में इस तरफ बड़ी गंदी दीवार है, इस पर अगर आप कुछ कर दें। मुख्तलिफ़ कंपनीज सपोर्ट करती हैं, NGO सपोर्ट करती हैं, पहले तो मैं खैर अपनी जेब से ये करता था सब कुछ, लेकिन अब मुख्तलिफ कंपनीज आ रही हैं, जोड़ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ा सा देखें अपने घर के बाहर यार, कचरा तो साफ़ कर सकते हैं एटलीस्ट, कचरा ही साफ़ करा दें। हमारे पास अलमिया ये है कि सामने से कचरे के पास तो गुजर के चले जाते हैं, लेकिन एक कचरे वाले को कॉल नहीं करते कि भाई यहाँ से आके कचरा उठा लो। ये हमें बहुत अच्छा आता है कि सिंधु हुकूमत कुछ नहीं कर रही, वफाक कुछ नहीं कर रही, और फलाना ढिमकाना, मतलब लोगों को तंकीद करना। अच्छा, कभी कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई काम करते हुए, कभी कोई ऐसा वाकया तो? बिल्कुल मुश्किलात तो देखिए हर चीज़ में आती है, ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें मुश्किलात ना आए, आपको उन मुश्किलात को फेस करना आना चाहिए, उनको बजाय उससे दूर भागने के उन मुश्किलात को फेस करें आप, और अल्लाह ताला पर तवक्कल रखें। जो भी काम कर रहे हैं अल्लाह ताला पर तवक्कल रखें, पूरा यकीन रखें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको उसमें ज़रूर कामयाब करेगा।